एक 40 वर्षीय महिला सेक्सी कपड़े पहनकर युवा पुरुषों से भरे कॉलेज में आई थी। उसका सेक्सी और कामुक शरीर तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वो बिल्डिंग के निचले हिस्से में अपने 19 वर्षीय बॉयफ्रेंड की क्लास छूटने का इंतजार करने के लिए पहुंची। जब बाल्थाजर ने अपनी गर्लफ्रेंड को उस ड्रेस में दूर से देखा तब उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो उसे घूरता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एलिस ने उसे उसके साथ आर्ट शो में शामिल होने के लिए इन्वाइट किया। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने एलिस को कहा कि क्या मैं कुछ समय के लिए जा सकता हूँ। एलिस को अलविदा कहने के बाद बाल्थाजर खुशी से मुस्कुराता है। एलिस एक फैशन मैगजीन की एडिटर है और प्रोडक्शन की निगरानी के लिए वो एक फॉरेन प्रिंटिंग हाउस की बिजनेस ट्रिप पर थी, लेकिन फ्लाइट में उसे एक आदमी द्वारा परेशान किया गया था। इससे परेशान होकर उसने एक यंग लड़के को अपने बाजू वाले सीट पर बिठाया जो अभी अभी आया था। उस लड़के का नाम बाल्थाजर था। वो आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट था। वो पहली बार फर्स्ट क्लास में उड़ान भर रहा था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था। वो उस सीट के साथ मजे ले रहा था जो असल में बहुत आरामदायी थी। जब प्लेन जमीन पर आया तब दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपना नाम बताया। अचानक बाल्थाजर ने जमीन पर एक फ्लैश ड्राइव देखा। उसने उसे उठाया और एलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से ही प्लेन से उतर चुकी थी। एलिस अपनी कार में बैठ गई और बाल्थाजर टाइम पर उसे पकड़ नहीं पाया। एलिस रिटर्न अपने काम पर पहुंचती है और वहाँ उसे पता चलता है कि लीज उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो इस पर डिस्कस करने के लिए अपने बॉस के पास गई। तब उसके बॉस उसे कहते हैं कि लीजा की 8 बार शादी हो चुकी है और उसके 5 पुरुष और 3 महिला पति थे और अब वो फिर से सिंगल है। तुम्हारा 8 साल से डिवोर्स हो चुका है और अब तुम हर चीज के प्रति उदास रहती हो। काम के प्रति तुम्हारा उत्साह खत्म हो गया है, इसलिए तुम कंटेंट को एडिट नहीं कर सकती हो और तुम्हारे काम को लेकर हमारे यूजर्स पहले से ही काफी परेशान है। एलिस अपने डेस्क पर आती है तब उसे पता चलता है कि उसका फ्लैश ड्राइव नहीं मिल रहा। तब उसने अपने असिस्टेंट द्वारा छोड़े गए एक नोट को देखा। तब उसे रियलाइज हुआ कि बाल्थाजर को उसकी फ्लैश ड्राइव मिल गई थी। वो तुरंत बाल्थाजर को फोन लगाती है। उस वक्त बाल्थाजर एक डिस्को क्लब में होता है। जब उसने फोन पर एलिस की आवाज सुनी तब बाल्थाजर बिना किसी कारण के नर्वस हो गया। एलिस कुछ समय में वहां पहुंच जाती है। बाल्थाजर उसे दूर से आवाज लगाता है और उसे वहां बुलाता है। जब एलिस को पता चला कि उसके पास उस समय फ्लैश ड्राइव नहीं है तब वो उसे जल्द से जल्द फ्लैश ड्राइव लाने के लिए कहती है। बाल्थाजर उसे अपने घर ले चलता है। वो बाल्थाजर के गुलाबी स्कूटर के पास पहुंचते हैं। उसने एलिस को हेलमेट लगाने में मदद की कि तभी एलिस के कोवर्कर ने उन्हें देख लिया। उनको लगा कि ये दोनों लवर्स हैं। वो उनके बारे में गॉसिप करते हैं और उस रोमांटिक सीन का एक फोटो लेते हैं। बाल्थाजर के घर आने के बाद वो एलिस को उसकी फ्लैश ड्राइव देता है। फ्लैश ड्राइव मिलने के बाद एलिस वहां से चली जाती है, लेकिन बाल्थाजर उसके जाने के बाद घबरा जाता है और उसे कॉपी के लिए पूछता है। एलिस ने देखा कि वो क्या सोच रहा है, तब उसने उसे कहा कि तुम बहुत छोटे हो और हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये कहकर उसने उसका ऑफर टुकड़ा दिया। अगले दिन एलिस अपने ऑफिस में आई और अपने कलीग्स की अजीबोगरीब शक्ल देखी। बाद में उसे अपने असिस्टेंट से पता चला कि पिछली रात की तस्वीरें सभी ने देख ली है, लेकिन ये सब सुनकर उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लगता है। जब बॉस ने देखा कि एलिस अपने से 20 साल छोटे किसी लड़के के साथ प्यार करती है, एलिस को उसके दोस्त ने एनकरेज किया कि वो अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए बाल्थाजर के साथ प्यार का नाटक करे। तब वो उसके लिए मान जाती है और अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करती है। वो सेक्सी कपड़े पहनती है और बाल्थाजर के स्कूल आती है और उसे आज रात उसके साथ एक शो में आने के लिए पूछती है। एलिस ने बाल्थाजर को अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए एक आर्ट शो में इन्वाइट किया। एक सुंदर काले रंग की ड्रेस में एलिस की ब्यूटी को देखकर बाल्थाजर दंग रह गया। आखिरकार किसी यंग लड़के को एक मैच्योर और अट्रैक्टिव औरत पसंद कैसे नहीं आती, लेकिन वो उसकी सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अंदर आने के बाद एलिस ने उसके कपड़ों को ठीक करने में उसकी मदद की ताकि वो दूसरों को एक नॉर्मल कपल की तरह दिखा सके, लेकिन वो जानती थी कि वो एक्टिंग कर रही थी। वो बाल्थाजर को वहाँ मजे करते हुए दिखती है और उसके लिए थोड़ी शर्मिंदा होती है। एलिस ने ऑर्गेनाइजर को उसके आर्टिस्टिक स्किल के लिए बधाई दी। शराब लेकर लौटे बाल्थाजर ने कहा कि ऑर्गेनाइजर को कुछ भी फैंसी करने का कोई मतलब नहीं है। तब ऑर्गेनाइजर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन एलिस उसकी बातों को कवर करने के लिए हंसती है। शो के बाद बाल्थाजर धीरे से अपना छाता लेकर उसके पीछे आता है। जब एलिस फोन पर बात कर रही होती है तब बाल्थाजर सोच समझ कर उससे दूरी बनाए रखता है। उसके बाद एलिस उसे झूठ बोलती है कि उसकी बेटी अस्पताल में है, इसलिए बाल्थाजर तुरंत एक कार को रोकने के लिए दौड़ता है और एलिस को जाने देता है। बाल्थाजर उस पैसेंजर को अपना छाता देता है
जिसे उसने कार से अभी अभी उतारा था। एक दिन एलिस बाल्थाजर को कंपनी के रनवे शो में ले गई। उन्होंने इस शो को बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि ग्रुप के प्रेसिडेंट भी वहाँ आए हुए थे। लेकिन शो के दौरान एक दुर्घटना हुई जिसमें एक मॉडल गलती से गिर गई। बाल्थाजर सीधे रनवे की ओर भागा और उसे ऊपर चढ़ने में मदद की। प्रेसिडेंट, जो सभी प्रकार के रनवे शो देखने के आदि थे, उन्होंने सोचा कि ये एलिस द्वारा आयोजित एक स्पेशल एपिसोड है। एलिस बॉस के सामने शो को जारी रखना चाहती थी। वो बाल्थाजर को कंपनी के रिसेप्शन पर ले गई। उसने देखा कि लीज बाल्थाजर से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसलिए वो बाल्थाजर के पास जाती है और उसे जल्दी से डांस फ्लोर पर खींच लेती है। उसके बाद दोनों भी डांस करने लगते हैं। उसका बॉस ये सब देख रहा होता है। बाल्थाजर एलिस को अपनी गुलाबी मोटरसाइकिल पर घर ले जाता है। वो ऊपर जाकर उसके साथ बैठना चाहता था। एलिस देखती है कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन जब वो प्यार में था तो वो कैसे हार मान सकता था। वो एलिस का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटाता है। एलिस ने ध्यान से दरवाजा खोला। बाल्थाजर दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब उसे पता चला कि एलिस घर में अकेली थी, उसने उसे सीधे गले लगा लिया और उसके बाद दोनों भी इंटीमेट हुए। पिछली रात के बाद वो दोनों भी स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे। यह आश्चर्यजनक था कि एक 40 साल की औरत कैसे एक लड़के के प्यार में पड़ सकती है। डेट पर उसे सरप्राइज देने के लिए बाल्थाजर के पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता था। बाल्थाजर ने पेड़ पर एक मैसेज पोस्ट किया। उसने एलिस को सड़क पर एरो का पीछा करने और सीट बेंच के नीचे रखे MP3 को उठाने के लिए कहा। उसके बाद अपनी छोटी गुलाबी मोटरसाइकिल पर उसके पास गया। उसने एलिस को अपनी स्कूटी पर बिठाकर पूरा शहर घुमाया। ये एक गरीब लड़के का प्यार करने का तरीका था। एलिस ने अपने पास्ट में बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट और रोजेज देखे थे, लेकिन इस बार उसे ये मासूमियत और सादगी अच्छी लगी। एलिस अब तक अपने प्लान के मुताबिक अपनी नौकरी बनाए रखने में कामयाब थी। वो इस बात पर भी विचार कर रही थी कि क्या उसे इस झूठे रिश्ते को जारी रखना चाहिए। एक दिन बाल्थाजर एलिस को डेट पर ले गया। उसने एक्साइट होकर एलिस को प्रपोज किया और अपने फ्यूचर के बारे में उसे बताया। एलिस ने हालांकि सीधे अपने मन की बात कही। उसने कहा कि जब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो तुम अभी भी यंग हो, ये मत सोचना कि हम खुश रह पाएंगे। मेरे 8 साल की एक बेटी है, इसलिए मेरे पास एंजॉय करने के लिए वीकेंड ही होता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी यंग लाइफ खो दो। ये सब सुनकर बाल्थाजर हैरान रह गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक सेंसिबल औरत को कैसे हैंडल कर सके। दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाल्थाजर उदास होकर घर लौट आया। वो पूरे दिन बाहर नहीं गया और खुद को घर पर ही कैद किया। हालांकि इस ब्रेकअप को एलिस के बॉस ने बदल दिया। जब उसके बॉस ने उसके काम का निरीक्षण किया तो वो बहुत परेशान होती है। प्रेसिडेंट एक नई मॉडल की तलाश में होती है। तब उनकी नजर एक यंग मॉडल बाल्थाजर के ऊपर जाती है जो पिछली रात रनवे पर चला था। लेकिन एलिस के बॉस को नहीं पता था कि एलिस और बाल्थाजर का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो एलिस को उसकी नौकरी के लिए धमकाता है और उसे नौकरी पर रखने के लिए कहता है। एलिस खुद बाल्थाजर के पास जाती है। तब उसे लगता है कि एलिस उसके पास वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसे एलिस के वहाँ आने का मकसद पता चला तब वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और उसे पलट कर देखते हुए चला जाता है। अगले दिन शूटिंग के लिए एलिस बाल्थाजर के लिए इंतजार कर रही थी। वो उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। तब एलिस को लगता है कि बाल्थाजर वहाँ नहीं आएगा। वो अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाती है कि तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ आकर उसे कहती है कि बाल्थाजर पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है। एलिस का दोस्त बाल्थाजर के पास आता है और उसको मेकअप में बिजी पाता है। उसने बाल्थाजर को बताया कि एलिस खाली उसके जॉब में प्रमोशन मिलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। सच जानने के बाद बाल्थाजर ने इसे नहीं दिखाया और वो हमेशा की तरह शूटिंग पर आ गया। लेकिन शूटिंग के दौरान फोटोग्राफर के अपमानजनक रवैये पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है, यहाँ तक कि वो सीधे पानी में गिर जाता है। एलिस उसके पीछे आती है और उसकी माफी मांगती है। इस समय बाल्थाजर ने एलिस पर सबके सामने सेल्फिश होने का आरोप लगाया। एलिस ने अपने करियर के लिए उसे धोखा दिया। अब इस पर एलिस के पास गाने के लिए कुछ नहीं होता। स्कैम की वजह से बॉस ने भी एलिस को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन अचानक उसे बाल्थाजर के खोए हुए जूते मिल गए। वो काफी देर तक चुपचाप जूतों को देख रही थी। जब उसकी बेटी ने उसे पीछे से बुलाया तब जाके उसका ध्यान उस पर गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसे बाल्थाजर से गहरा प्यार हुआ है, इसलिए उसने अपने होश ठिकाने लगाने और अपने प्यार का पीछा करने का फैसला किया। एलिस को उसके क्लासमेट्स ने
बाल्थाजर की क्लासरूम में जाने के लिए उसकी हेल्प की। एलिस सबके सामने बाल्थाजर के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। जब बाल्थाजर ने उनके फ्यूचर पर सवाल उठाया तब एलिस ने उसे अपनी मर्जी से किस किया। क्या ये प्यार नहीं है? अगर आप प्यार में है तो दुनिया की मत सुनो, बस महसूस करो, बहादुर बनो और बिना पछतावे के आगे बढ़ो। मूवी यहाँ पे एंड होती है।